हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए। और आप चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को कंप्लेन आती थी कि आप हमेशा हरियाणा की न्यूज़ दिखाते हो, हमेशा हरियाणा की बात बताते हो, अपने उत्तर प्रदेश की क्यों नहीं बताते, अपने यूपी क्यों नहीं बताते। तो देखो, मैं किसी चीज़ में ये नहीं मानती कि वो हरियाणा है या पंजाब है, राजस्थान है या यूपी है, ठीक है। ये एक भारत है और भारत में मैं रहती हूँ और इसके जितने भी स्टेट हैं सब मेरे अपने हैं, ठीक है। तो ये कुछ मानसिक रोग जो से जो ग्रसित है ना लोग, उनकी सोच है ऐसी, ठीक है। तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले ही बोलती हूँ, तुम 2-3% लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम आते हो, भोगते हो और चले जाते हो, सिर्फ तुम इतनी वैल्यू रखते हो मेरे लिए, ठीक है। तो जो मैं आज वीडियो बता रही हूँ, वैसे ये आज की जो खबर है ना, ये रियल में यूपी की है, ठीक है, यूपी के गाजीपुर जिले की है। तो यहाँ पर एक वाइफ है, एक औरत है जिसका नाम है नीतू यादव, उसके 2 बच्चे हैं। उनके जो हस्बैंड हैं वो जम्मू कश्मीर है फौज में, ठीक है, तो वो मिलिट्री में है। तो इस नीतू नाम की एक लेडीज है जिसको, जो अपने सास ससुर के और अपने बच्चों के साथ रहती थी घर पर, और जो इनके हस्बैंड थे वे उनकी एक गवर्नमेंट जॉब थी, जैसे मैंने अभी बताया कि वो जम्मू कश्मीर उनका ट्रांसफ़र था। तो जो जो नीतू यादव है उसको पढ़ाई का बहुत शौक था, इसलिए उसके हस्बैंड ने उनको बीएड कराया। बीएड कराने के बाद वो 2 बार सी टैक और यूपी टैक का एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी थी, लेकिन उनको एक जो नीतू यादव है उसको एक जुनून था कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी उसे नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। तो फिर होता क्या है, कई बार जो उसके हस्बैंड ने बताया, कई बार मेरे पास फ़ोन आता भी था कि भाई बच्चे परेशान करते हैं, बच्चे पढ़ने नहीं देते हैं, ये है वो है। तो उनके हस्बैंड का कहना है कि मैंने कई बार बोला भी कोई बात नहीं, जिस टाइम बच्चे स्कूल चले जाते हैं आप उस टाइम पढ़ लिया करो, लेकिन उस औरत ने नहीं मानी। उस औरत को पता नहीं उसके थोड़ी मानसिक हालत उसकी हिली हुई थी या फिर उसे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई दिखती थी, पढ़ाई के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता था। तो इस पढ़ाई के चक्कर में जब वो पढ़ती थी बच्चे परेशान करते थे, तो इसलिए उसने अपने दोनों बच्चों की गर्दन धड़ से काट कर और अलग अलग कमरे में सजा दी। एक माँ ने अपने 2 बच्चों की गर्दन काट कर अलग अलग कमरे में सजा दी, और उसने अपने बच्चों की गर्दन काटी किस वजह से, कि बच्चे उसे अपनी माँ को पढ़ने नहीं देते थे। छोटे बच्चे हैं, आप 1-7 साल का है, इसका बच्चा 1-9 साल का था। अब वो 7 साल 9 साल के बच्चों को इतना दिमाग तो होता नहीं है कि वो उसे पता है कि मेरी माँ पढ़ रही है तो मुझे नहीं छेड़ना। हम ही देख लो, हमारे घर में मेरे भी मेरा 8 साल के और 9 साल के 2 बच्चे हैं। अगर मेरे घर में भी ऐसा सामान पड़ा रहता है, वो आते हैं स्कूल से सारे में सामान फैला देते हैं। देखो, मैंने पूरी मेहनत से पूरा दिन घर सामान संगवाती हूँ और ऊपर से स्कूल से आने के बाद सब इधर उधर फेंक देते हैं, कहीं बैग, कहीं सूज, कहीं सोफे कवर वहाँ। इसका मतलब क्या, बच्चों को मार देना चाहिए? अगर बात बच्चों को इतनी अकल हो तो फिर उन्हें बच्चा क्यों कहा जाए। तो इस औरत ने अपनी सरकारी नौकरी के जुनून में अपने दोनों बच्चों की बलि चढ़ा दी, दोनों बच्चों की गर्दन अपने आप काट कर अलग अलग धड़ से, दोनों गर्दन अलग अलग काट के और अलग अलग कमरे में सजा दी, ठीक है। ये इस औरत ने किया है सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए, कि बच्चे उसे परेशान करते थे, पढ़ने नहीं देते थे। और बच्चों का गला काटने के बाद भी इसमें इतना सा भी डर नहीं रहा कि अपनी सास को, आई मीन अपनी मदर इन लोग को खुद जाके बताती है किचन में कि मैंने बच्चों की, दोनों बच्चों की गर्दन काट दी है क्योंकि वो मुझे पढ़ने नहीं दे रहे थे। तो बताइए, क्या कोई माँ ऐसा कर सकती है? क्या अब जेल में बैठकर सरकारी नौकरी करेगी, सरकारी कमरे में बैठकर सरकारी नौकरी करेगी? और किसके लिए सरकारी नौकरी करनी थी, जब उसका हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब है? चलो वो सरकारी नौकरी करना चाहती थी, हर औरत का हो सकता है, हर बंदे का अपना अपना एम होता है। उसका एम हो कि मुझे गवर्नमेंट फील्ड में जाना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो पढ़ो। बच्चे हर टाइम तो परेशान नहीं करते ना, बच्चे हैं, बच्चे तो परेशान करेंगे यार। बच्चे स्कूल जाते हैं जब पढ़ो, बच्चों के स्कूल से आने के बाद वो सो जाते हैं जब पढ़ो, रात को बच्चे सो जाते हैं रात को पढ़ो। लेकिन नहीं, उसने तो अपने दोनों बच्चों को मार दिया सिर्फ सरकारी नौकरी पाने के लिए। जब वो बच्चे ही नहीं रहे
तो अब सरकारी नौकरी किसके लिए करेगी? माँ बाप किसके लिए कमाते हैं? अपनी औलाद के लिए कि अपने बच्चे हैं जो उनकी औलाद की सारी जो ख्वाहिश है वो पूरी कर सके। जब जिसके लिए उसे सरकारी नौकरी करनी थी जब वो ही नहीं रहे इस दुनिया में, तो सरकारी नौकरी करके अब करेगी क्या? उसे इतना दिमाग नहीं है कि जिसके लिए सरकारी नौकरी करना चाह रही है उन बच्चों को भी मार दिया। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी माँ भी होती है? और खुद ही अपने आप बता दिया। लेकिन उनके हस्बैंड का कहना है कि मुझे एक बार पुलिस तो अरेस्ट करके ले गई है नीतू यादव को, क्योंकि उसे जाना ही था वह जेल में, उसने ऐसा काम किया है। लेकिन उनके हस्बैंड का कहना है कि मुझे सिर्फ एक बार अपनी वाइफ से ये पूछना है कि उसने दोनों बच्चों को मारा क्यों, ऐसा क्या गुनाह किया था उन बच्चों ने कि दोनों बच्चों को गर्दन काट दी। तो ये देखो, ये तो सुना था कि दो बच्चे छोड़ के भाग गई, एक बच्चे को छोड़ के भाग गई या फिर किसी और के साथ लिविन में रहने लग गई। आज एक नई बात निकल के आती है कि सरकारी नौकरी के लिए बच्चों का, अपने ही बच्चों का मर्डर कर दिया, वो भी गला काट के अलग अलग कमरे में सजा दिया। और उसके बाद अपने ही सास ससुर को दिखाया जा रहा है कि देखो मैंने ये मार के यहाँ सजा दिया और इसे मार के यहाँ सजा दिया है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ी ना पढ़ पढ़ के ना, कभी कभी होता है ना जो अनलिमिटेड पढ़ता है ना वो मेंटल हो जाता है, पागल हो जाता है। पढ़ाई भी ना एक हर काम जो है ना वो एक लिमिट तक अच्छा लगता है, तो पढ़ाई भी ना एक लिमिट तक अच्छी लगती है। पढ़ाई को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दो कि सही और गलत का कुछ समझ में नहीं आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि वो पढ़ पढ़ के और जॉब ना मिलने के कारण, सरकारी नौकरी ना मिलने के कारण, इतना पढ़ लिखने के बाद ना उसका जो माइंड था ना उसने काम करना बंद कर दिया, वो मानसिक रूप से ना बीमार रहने लग गई थी। और इरिटेशन में कई बार ऐसा आदमी पता चलता आदमी ने क्या कर दिया, तो शायद उस वजह से उसने अपने दोनों बच्चों की जान ले ली। अदरवाइज कोई माँ अपने बच्चे को इतनी बेरहमी से नहीं मार सकती कि धड़ से गर्दन ही अलग कर दें। तो आप बताइए आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और मिलते हैं फिर आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।